काव्या से भी बड़ी गलती कर रहा है वनराज, करना पड़ेगा बड़ा भुगतान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, शाह हाउस में क्या चल रहा है? शाह हाउस में डिम्पी और समर का जो चल रहा है वो चल रहा है, और एक साइलेंटली काव्या और वनराज का चल रहा है। जो बच्चा अनिरुद्ध का है ये वाला बात का इशू चल रहा है। तो यहां पे हम जब देखते हैं आज का सीन, जिसमें ख्याल आता है वनराज को कि अनुपमा आ गई है, सच मैंने सबके सामने बोल दिया है कि ये अनिरुद्ध का बच्चा है, उसके बाद बा के क्या रिएक्शन है, ये सब वनराज सोचता है। और उसके बाद वनराज का सपना टूटता है, ख्याल टूटता है, और रियलिटी में वो वहीं पे खड़ा है। अब ये सब हमने देखा, इससे हमें फ्यूचर का पता चला कि अगर ये बात सामने आती है तो क्या होता है। मगर क्या ये बात छुपाना समझदारी है? चलिए इस पर चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, वनराज इस बात को छुपा क्यों रहा है? सबसे पहली बात तो उसकी मेल ईगो है, जो उसने बढ़ चढ़ के कहा था कि देखा इस उम्र में भी जैसे अनुज से बात की वैसे, वो सब चीजें उसने कही थी। कहीं ना कहीं ये मेल ईगो जो है हर्ट होती है, कि अगर ये बात सबको पता चली तो कितनी किरकिरी हो जाएगी। इस पे हम चर्चा भी पहले कर चुके हैं। दूसरा ये है कि वो इस बच्चे को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा, उसको इस बच्चे के आगे काव्या का प्यार नहीं दिख रहा है, अपनी जो काव्या के प्रति नफरत थी वो नहीं दिख रही है। क्योंकि जब इसने काव्या को डिसोन करना शुरू किया था, काव्या को इग्नोर करना शुरू किया था, वो जर्नी नहीं दिख रही है। दिख रहा है तो सिर्फ ये कि ये अनिरुद्ध का बच्चा है। अनुपमा के लाख समझाने के बावजूद भी कि बच्चा तो बच्चा ही होता है, नहीं निकाल पा रहा वनराज अपने दिमाग से ये बात। और ये आसान बात होती भी नहीं है मेल्स के लिए, किसी के लिए भी नहीं होती है। क्योंकि खुद चाहे कुछ भी कर ले, चाहे दूसरी पत्नी को ले आए, चाहे एक्स पत्नी के साथ रिलेशनशिप बढ़ाने की बात करें, चाहे कुछ भी करें, मगर जब वाइफ कुछ कर देती है तो एक्सेप्ट नहीं होता है, तो मुश्किल होती है। मगर ये सारी चीजें अगर हम साइड में रखते हैं, ये सब तो वनराज की अंदर की उपज है ही, उसकी अपनी नेचर और मेल का जो होता है पॉइंट ऑफ व्यू वो है ही। और यहां जो इन सब चीजों को ओवरलैप करने के लिए जो सच को छुपा रहा है, वो वनराज की बड़ी गलती है। जैसे कि काव्या ने आज कहा भी बाहर जाते हुए जब सोनोग्राफी के लिए जा रही थी कि बता क्यों नहीं देता वी सबको, क्योंकि ये घुटन तो काव्या को भी हो रही है। होता है ना कि अगर किसी के घर में कुछ अनहोनी हो जाती है और आप बताते नहीं हो कि मैं बताऊंगा तो इसको शौक लगेगा, उसको शौक लगेगा, तो भाई एक ना एक दिन तो शौक लगना ही है। ये ऐसा सच है जो आप नहीं छुपा सकते हो। और जब बच्चा पैदा हो जाएगा, अगर तब ये सच सामने आए, तो एक और जान इस सच के साथ इफेक्टिव होगी। आज किस क्यों छुपा रहे हो ये सच आप? यहां पे मैं अनुपमा को भी ये कहूंगी कि वो बताए वनराज को कि आप सबको बता दो, क्योंकि अनुपमा तो नहीं बता सकती ना, जिसका सच है वही बताएगा। उसको समझाए कि ये सबको बता दो, और शायद अनुपमा ने इशारा भी किया है, मगर अनुपमा क्यों इसके बीच में पड़े ये दोनों का मामला है। अगर सलाह लेने आते हैं तो बता देना चाहिए, अनुपमा को बोल देना चाहिए। मगर यहां पे दोस्तों, अगर ये सच वनराज नहीं बता रहा है, जो आज ख्याल सपना देखा है वो सच ही है, बा ऐसे ही रिएक्ट करेगी। और उस सपने में जो बा उसको गंदी औरत, करेक्टरलेस औरत जो भी बोल रही है, वो वैसा बोल सकती है, क्योंकि बा जब गुस्से में आती है तो कुछ भी नहीं सोचती है। तो क्या वनराज को वो चीजें बुरी लग रही है? क्या बुरा लग रहा है? वनराज इतना कंफ्यूज हो चुका है इस चीज को लेके कि क्या ही कहना। मगर मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों, कि जिस सच का कल भी नुकसान होना है, परसों भी नुकसान होना है, उस सच को आज ही बता के आज ही उस नुकसान की भरपाई करना शुरू कर देना चाहिए। नहीं तो ये सच जब खुलते हैं, जैसा कि अनुपमा ने एक कड़ी में कहा था, तो ऐसे मौके पे खुलते हैं जब बहुत सारी खुशी होती है। और अब जब सबको बापूजी बाकी बच्चों को ये पता चलेगा कि ये काव्या का बच्चा उनके पापा का बच्चा नहीं है, तो तब सबके रिएक्शन क्या होंगे, वो बहुत ही खराब वाला सीन होगा दोस्तों।
क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन तो सबका आएगा ही आएगा, क्योंकि जितना इसको टाइम लेते जाएंगे, जितना बढ़ाते जाएंगे, उतना प्यार उनका बच्चे के प्रति बढ़ता जाएगा। मेरे पापा का बच्चा है, मेरे बेटे का बच्चा है, मेरे वनराज का बच्चा है। और जब ये एकदम से सच सामने आएगा कि ये तो है ही नहीं वनराज का बच्चा, तो तब हालत ज्यादा खराब होगी। तो ये वनराज अपने ही परिवार वालों का नुकसान कर रहा है इस सच को छुपा के। तो मेरा तो यही कहना है कि जितनी जल्दी हो सकता है इस सच को सामने आ जाना चाहिए। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.